ये है जी बिजली पूर्व बिजली मंत्री एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने एक सभा में ब्राह्मणों के बारे में गलत टिप्पणी की है और मैं कहना चाहूंगा ये रणजीत चौटाला हमेशा से ही ब्राह्मण विरोधी है। और इसके साथ साथ मैं दो दिन का समय देना चाहता हूं, हमारी पूरी टीम ब्राह्मण समाज सिरसा की पूरी टीम दो दिन का समय देना चाहती है। अगर रणजीत चौटाला ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूंकेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और इसके साथ साथ ये रणजीत चौटाला है इसने हमेशा ही ब्राह्मणों का अपमान किया है, ब्राह्मणों को दुखी किया है, ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं और इसके साथ साथ इसकी गंदी सोच का परिचय हमेशा से ही सामने आ रहा है। आज सार्वजनिक रूप से यह खुलासा हो चुका है कि यह रणजीत चौटाला हमेशा से ब्राह्मणों के खिलाफ है। मैं हिसार की जनता से और पूरे देश की जनता से कहना चाहूँगा, पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ कि रणजीत चौटाला का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और चुनाव में इसको आईना दिखाएं, पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें। जय भगवान परशुराम की। बात कही है ब्राह्मण समाज के बारे में, बोला है कि ये वाले हैं, इन्होंने सब लोगों को बांट दिया। हम लोगों को हमेशा बसाते हैं, एकजुट करते हैं, हम दंगा करवाते हैं, लेकिन इसने रणजीत चौटाला ने हमेशा ब्राह्मण विरोधी सोच होने का परिचय दिया है, इसलिए हम रणजीत चौटाला का विरोध करते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं। दो दिन का समय है, माफी मांग लो नहीं ठीक नहीं रहेगी। रणजीत चौटाला जी आज तो आपने ब्राह्मणों के बारे में गलत बोल दिया है, पूरा हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जैसा कि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी ने ब्राह्मण समाज के लिए बड़ी बेतुकी बात कही जिससे पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है और आने वाले चुनावों में हिसार में मैं चाहता हूं कि पूरा ब्राह्मण समाज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के विरोध स्वरूप मतदान करे और उन्हें आईना दिखाना का काम करे। नहीं करते ब्राह्मण समाज ने हमेशा सभी छत्ती बिरादरियों को आशीर्वाद स्वरूप एक दिशा दी है कि अच्छे कर्म करे, अच्छी नीति बनाए, अच्छे लोगों की भलाई के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो। लेकिन इन्होंने विशेष तौर से, कल तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, आज उनको टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद जो समाज पूरे देश को, भारत देश को एक दिशा दिखाता है उसको बड़ी गलत तरीके से उसने समाज को पेश किया है। हम घोर निंदा करते हैं, आगे आने वाले चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का गुड़ विरोध करेंगे। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चौधरी देवलाल के परिवार में ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं। हालांकि जैसे भाई योगेश ने भी बताया कि वो उनके, मुझे पता है, मैं विटनेस हूँ, उनके घर में मंदिर भी है और एक पुरोहित उन्होंने परमानेंटली एंगेज किया हुआ है। लेकिन पता नहीं, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, हरियाणा की परिस्थिति सबको मालूम है। चौधरी साहब मुझे लगता है कि निपटने के लिए वहाँ गए हैं, लेकिन हमारे गले क्यों पड़ो यार। मान लो अगर आपकी स्थिति किसी तरह से कोई सुदृढ़ होती है तो आप पॉजिटिव वे में रह के बात करो। तो मैं इस बात को बड़ा कंडेम करता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी और आज जो माफीनामा उन्होंने दिया है वो भी शब्दों की लिपा पोती है। हमसे बेहतर शब्दों से कोई नहीं खेल सकता। उन्होंने ये कहा है कि मैंने गलत नहीं कहा, मेरे शब्द वापस लेता हूँ। कम से कम उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ अगर किसी भावना को चोट पहुँची है, किसी समाज की भावना को। तो मैं एक बार फिर सर्व समाज से आग्रह करता हूँ और खास करके मेरे जाट बिरादरी के भाइयों से कि किसी भी बिरादरी का कोई व्यक्ति किसी दूसरी बिरादरी के अपमान के लिए कुछ कहता है तो सबसे पहले उस बिरादरी का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने ऐसे बेलगाम घोड़ों पर लगाम लगाए। तो मैं एक बार फिर सारे समाज से कहता हूँ कि जो चौधरी साहब ने, अब वो ये कहेंगे मेरी टंग स्लिप होगी, जो मर्जी होगी, क्योंकि वो वैसे उम्रदराज है, हमें ही पता है, एज नियरिंग 79। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम चौधरी साहब ये कहेंगे मुझे खेद है, मैं माफी मांगता हूँ। सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे, बिल्कुल प्रेस रिलीज कर दे। आज वीडियो मैंने देखा है, अभी वीडियो मेरे को भेजा किसी साथी ने, तो उसमें मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट दैट स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ये ब्राह्मण की ताकत को वो दान ललकारें, ये वो जाति है, ये वर्ग है
जो समाज का टॉर्च बीरर है और पूरा समाज हमारे से बंधा हुआ है, जो सर्वा भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामय की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है, तो दूसरी जातियां भी ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधा मिला के चोरी साहब को बखूबी निपटा देंगे, ये ध्यान रखना। विजय शर्मा ब्राह्मण खाप हरियाणा का वरिष्ठ उप प्रधान होने के नाते और भगवान परशुराम आर्मी का संस्थापक होने के नाते, चौधरी रणजीत सिंह जी जो है वो सुबह मंदिर में ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं 30 वर्षों से, तो उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो अपने बयान वापस लें और सार्वजनिक माफ़ी मांगे, वरना इनके परिणाम हमें तो जो है गायत्री जप करके हम किसी को अगर जल का छींटा भी बैठे दे देंगे तो उसका भी नाश हो जाएगा, इसलिए हमें कोई ज़्यादा आंदोलन करने की जरूरत नहीं, तब भी कर देंगे ऐसा कि उनको जो है समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं इतने वर्षों से उनको जानता हूँ, वो अपने घर के अंदर ब्राह्मण रसोईया नहीं रखते, इतना सम्मान करते हैं, ये गलती उनसे कैसे हुई, उनसे मैं निवेदन करता हूँ अपने माफ़ी मांगे सारे समाज से। जय दादा परशुराम।